भक्ति कितने प्रकार की होती है? बोलो मेरी माँ, नौ प्रकार की। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है कथा श्रवण करना, श्रवणम, पहली भक्ति। कथा सुनना कौन सी भक्ति है? आप कथा सुनने आए हैं, ये पहली भक्ति, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन किया करिए घर में बैठ के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण, ये कीर्तन रोज करना चाहिए आपको। कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। कीर्तन करना चाहिए, स्मरणम। तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण कैसा होता है? स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। एक लड़की साधारण सी अनपढ़ अंगूठा छाप, एक लड़की का विवाह हो गया अहमदाबाद में, आपके गांव की थी, विवाह हुआ अहमदाबाद में। वो ससुराल गई, 15 दिन ससुराल में रही, वापस अपने घर मायके पियर आई, तब उसकी आदत क्या हो गई कि वो काम करती जाती और काम करते समय वो अपने पति का चिंतन करती जाती। एक साधारण लड़की, जब आपकी शादी हुई तो आपके साथ भी ये घटना घटी होगी, 15 दिन आप पति के पास गुजार के जब आप मायके आई तो घर में काम पूरा करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भोजन सब करती हैं, पर काम करते समय एक स्त्री किसे याद करती रहती है? बोलिए, अपने पति को। नई नवेली लड़की, शादी के 15 दिन हुए हैं, वो काम करते समय किसे याद करती है? अपने पति को। हाँ या ना? आपने किया था कि नहीं किया था तो जल्दी समझ में आएगा, किया था तो बोलो किया था। हाँ, एक लड़की साधारण सी काम घर का करती है, झाड़ू लगाती है, पर पति के चिंतन में खोई है, ख्यालों में खोई है, भोजन बना रही है पर पति का चिंतन। एक अनपढ़ अंगूठा छाप लड़की यदि काम करते समय अपने पति का स्मरण कर सकती है तो भक्त क्या काम करते समय भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? इसी का नाम स्मरण है। काम बराबर करिए, अकर्मण्य होके नहीं बैठना, काम सब करिए पर काम करते समय मन भगवान में लगा के रखिए, चिंतन उनका करते रहिए जैसे एक स्त्री अपने पति का चिंतन करती रहती है। बस यही स्मरण है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना, बड़ों के चरण दबाना, पति के चरण दबाना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास के साथ नाम जपना छठवीं भक्ति है। हाँ, कर्म करना, अच्छा कर्म करना छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है, हाँ, सब में भगवान का दर्शन करना। आठवीं भक्ति है संतोष रखना और समर्पण कर देना भगवान के चरणों में, ये नौवीं भक्ति है।